चले देखें, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है हमारा इम्परफेक्शन में लास्ट टॉपिक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। पहले इससे पहले हम दो डिफेक्ट पढ़ चुके हैं, नॉन स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री एंड लास्ट वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखें क्या होगा कि जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर क्रिस्टल होंगे, ठीक है, और किसी सब्सटेंस के प्योर क्रिस्टल होंगे, तो उस प्योर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी अगर हम उससे मिलाते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी अगर उसमें क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, तब जो डिफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट ड्यू टू द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। तो देखें जब किसी प्योर सब्सटेंस में क्या हो, जब किसी प्योर सब्सटेंस में इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी, जैसे ही जो डोपिंग होता है, ठीक है, तो डोपिंग होने के बाद क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे जनरली देखें अगर हम बात करते हैं कि जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क में आप हाफ ऑफ जो है मिल्क उसमें भर दीजिए, ठीक है, मतलब एक जो कप है उसमें मिल्क भर दीजिए। अब उसमें क्या करेंगे, कुछ कम अमाउंट में, किसी अमाउंट में जो है उसमें वाटर जो है उसमें ऐड करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी अपन मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा बहुत उसमें से उसमें क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एडिंग मतलब डोपिंग की वजह से जो है किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटी हम किसी प्योर सब्सटेंस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास मोल्टेन फॉर्म में NaCl है, ठीक है, किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, मोल्टेन NaCl, मोल्टेन फॉर्म में जो NaCl है, ठीक है, तो इस NaCl में अगर ये NaCl क्या हो, कम अमाउंट में इम्प्योरिटी जो है कंटेन करें, ठीक है, इसमें जो है मान लेते हैं SrCl2, ठीक है, ये इसमें मिक्स कर रहे हैं, NaCl में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, NaCl है, ठीक है। अब मोल्टेन फॉर्म में अगर हम SrCl2 को, ठीक है, NaCl में मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है, कूल कर रहे हैं टू फॉर्म अ क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल शेप पाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो कूल करेंगे, देखें यहाँ पर क्या होगा जब हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, तो देखें अगर हम NaCl को डिकम्पोज करें, ठीक है, तो हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखें Sr2 पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव, ठीक, कुछ इस तरीके से जो है कि बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि Na पॉजिटिव का जो है प्लेस Sr2 पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है, Sr2 पॉजिटिव Na आयन का जो है Na पॉजिटिव आयन का प्लेस ले लेगा, ठीक है। मतलब समझिए कि बोल क्या रहे हैं कि जब मोल्टेन फॉर्म में जब NaCl है, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में जब क्या है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें हम SrCl2 को क्या कर रहे हैं, मोल्टेन NaCl में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इम्प्योरिटी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसको छोड़ दे रहे हैं कूल होने के लिए ताकि वो क्रिस्टल फॉर्म करें, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जो Cr2 है वो Na पॉजिटिव आयन का एक प्लेस जो है ऑक्यूपाई करे, मतलब एक प्लेस में जो है चले जाएगा, ठीक है, Cr2 जो पॉजिटिव हो Na के पॉजिटिव के प्लेस में क्या है जो है चले जाएगा, ठीक। तो इसमें होगा क्या कि देखें यहाँ पर Sr2 पॉजिटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव है, सपोज यहाँ पर Na पॉजिटिव के जगह को ले लिया है किसने, Sr2 पॉजिटिव, ठीक है, क्या ले लिया, Sr2 पॉजिटिव ले लिया, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब एक Sr2 पॉजिटिव एक Na पॉजिटिव की जगह को ले ले रहा है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जा रही है, मेंटेन नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ से एक और Na पॉजिटिव जो है उसको गायब होना पड़ेगा, ठीक है। देखें कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है Na पॉजिटिव, ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है Na पॉजिटिव, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, Sr2 को हम क्या करेंगे, इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है, इसमें मिक्स करेंगे, तो क्या होगा Sr2 पॉजिटिव जो है वो Na पॉजिटिव का प्लेस जो है ले लेगा, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए पहले अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 8 जो है केट आयन है और 8 जो है एन आयन, मतलब केट सॉरी 8 क्या है Na पॉजिटिव और 8 क्या है Cl निगेटिव,
ठीक है। फिर हमने यहाँ पर जब इम्प्यूरिटी मिलाया तो इम्प्यूरिटी मिलने के बाद क्या हो जाएगा, SR2 पॉजिटिव आ गया सपोज, SR2 पॉजिटिव, तो SR2 पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ, एक जो है केटायन बढ़ गया। देखें पहले 8 थे, अभी कितने हो गए, 9 हो गए, और जो एन आयन है वो 8 के 8 ही हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब केटायन और एन आयन जो है वो अब बैलेंस नहीं रहे, ठीक है, एक जो है मतलब डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है SR2 पॉजिटिव आने के बाद जब इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक लैटिस साइड से Na पॉजिटिव और मिस हो जाएगा, ठीक है, मतलब दो का प्लेस लेगा एक, ठीक है। इस तरीके से जो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होगा, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक और जो है केटायन उसको गायब होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इफ़ द इम्प्यूरिटी आयन्स आर डिफरेंट वैलेंस स्टेट, ठीक है, इसमें जब इम्प्यूरिटी जो भी इम्प्यूरिटी इसमें ऐड कर रहे हैं उसका वैलेंस स्टेट अगर डिफरेंट है तो कुछ इस तरीके का केस होगा, क्लियर है। ये आपके आयनिक सॉलिड के लिए है, ओके, ठीक है। चलिए देखेंगे रेडियस रेशियो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के केट आयन और एन आयन के रेशियो को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है। देखिए रेडियस रेशियो में अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसके सम बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेडियस रेशियो, ठीक है, अगर हमको रेडियस रेशियो और केट आयन एन आयन में अगर रिलेशन पता करना हो तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे देखें प्रॉपर्टीज़ देख लें, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर भी देख सकते हैं, ठीक है, कि रेडियस रेशियो कैसे घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कैसे, ठीक है। तो देखें एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे केट आयन और एन आयन का हम अरेंजमेंट करते हैं आयनिक में, ठीक है, केट आयन और एन आयन का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं उसको अरेंज करते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से जो है कि अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्मॉलर साइज के जो एटम दिख रहे हैं ये होते हैं केट आयन, ठीक है, जनरली जो केट आयन होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, और एन आयन जो है वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि केट आयन और एन आयन, ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस रेशियो के हिसाब से बात करें तो ध्यान से देखें यहाँ पर होगा क्या कि रेडियस रेशियो, ठीक है, RR, ठीक है, रेडियस रेशियो जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, रेडियस रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है, देखें अगर रेडियस रेशियो की बात करें तो रेडियस रेशियो कब इंक्रीज़ होगा, ध्यान से देखें, रेडियस रेशियो कब इंक्रीज़ होगा, जब यहाँ से केट आयन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, रेडियस रेशियो कब इंक्रीज़ होगा, व्हेन केट आयन इंक्रीजेस, ठीक है, रेडियस ऑफ केट आयन इंक्रीज़ होगा तब रेडियस रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ध्यान से देखें। कैसे बोल रहे हैं कि देखिए अगर यहाँ से केट आयन को हमने बढ़ाया, ठीक है, केट आयन को देखें, अगर केट आयन बढ़ाया तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, रेडियस रेशियो बढ़ेगा। और इसी में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, देखें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है पता है ना, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नेबरिंग जो एटम्स हैं, ठीक है, वो उनके नंबर्स, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि सपोज ये हमारा केट आयन है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट जो है एकदम पॉइंट छोटा सा, ये हमारा केट आयन है, ठीक है, अब इसमें जो है कितने एन आयन जो है हो सकते हैं इसमें, तो इसका अगर बहुत छोटा है, केट आयन बहुत स्मॉल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा, ठीक है, मतलब इसके जो नेबरिंग एटम है वो भी कम होंगे। जैसे अगर इसका साइज बढ़ता है, ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे और हमने केट आयन को यहाँ से बढ़ा दिया सपोज, और बड़ा किया तो भी यहाँ पर क्या होगा, और जो है इसके नेबरिंग जो एटम है वो आ जाएंगे। मीन्स क्या होगा, देखें अगर रेडियस ऑफ केट आयन इंक्रीज़ हो रहा है तो रेडियस रेशियो भी इंक्रीज़ होगा, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, क्लियर है। यहीं पे अगर हम बात करें क्या चीज़ कि रेडियस ऑफ एन आयन अगर इंक्रीज़ होता है तो रेडियस रेशियो क्या होगा,
डिक्रीज होगा, ठीक है। अब रेडियस रेशियो डिक्रीज हो रहा है, जो है हमारा रेडियस ऑफ एन आयन इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस रेशियो क्या होगा, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये एक्चुअल में 3-4 पॉइंट है जो कि आपको 2 पॉइंट में ही जो है कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। ओके, चले ध्यान देंगे। यहाँ पे रेडियस रेशियो कुछ कंपाउंड का है, ठीक है। देखिए रेडियस रेशियो प्लेन ट्रायंगुलर, ठीक है, जो हमारा अरेंजमेंट है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट प्लेन ट्रायंगुलर, ठीक है। तो प्लेन ट्रायंगुलर में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, ठीक है। प्लेन ट्रायंगुलर में क्या हो जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस रेशियो आएगा वो 0.155 टू 0.225 के आस तक होगा, ठीक है। ये रेडियस रेशियो, इसका एग्जांपल की बात करें तो बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है। बोरॉन ऑक्साइड में प्लेन ट्रायंगुलर जो है स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 0.155 टू 0.225, ठीक है, ये क्या होता है आपका रेडियस रेशियो होता है। क्लियर है? ठीक है, वहीं पर देखें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करें, टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल शेप में 4 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं और इसका रेडियस रेशियो क्या होता है, 0.225 0.414, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल इसके क्या है, जिंक सल्फाइड, ठीक है। यहीं पर देखें ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसका रेडियस रेशियो कितना होता है, 0.414 टू 0.732, ठीक है। इसका क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप जो है बनता है, रेडियस रेशियो इसका 0.414 टू 0.732। यहीं पर क्यूबिक की बात करें तो क्यूब में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा, 0.732 टू 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। क्लियर है? तो ये जो है आपके क्या है, रेडियस रेशियो। क्लियर है? ओके, देखिए एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इसके भी रिलेशन में, कि हमारे पास एक कंपाउंड है, इन अ कंपाउंड ऑफ ए एक्स, ठीक है। एक हमारे पास जो है कंपाउंड है ए एक्स, ठीक है। अब इस कंपाउंड में, ठीक है, इन दी ए पॉजिटिव आयन, ठीक है, रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसमें एक्स में ए पॉजिटिव आयन और एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये कितना है, इस 95 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ एक्स नेगेटिव आयन इज 181 pm, ठीक है। सो कैलकुलेट दी रेडियस रेशियो, ठीक है, कैलकुलेट दी रेडियस रेशियो, ठीक। हमको रेडियस रेशियो निकालना है, कैलकुलेट करना है रेडियस रेशियो, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड है ax, ठीक है, जिसमें केट आयन का जो रेडियस दिया हुआ है वो 95 पिकोमीटर है एंड रेडियस ऑफ एन आयन कितना है, 181 पिकोमीटर है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि इसका रेडियस रेशियो कितना है एंड प्रिडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है, एंड प्रिडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमको प्रिडिक्ट करना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता है रेडियस रेशियो की, रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस रेशियो रेडियस ऑफ केन आयन अपॉन रेडियस ऑफ एन आयन, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ केट आयन है हमारे पास एंड रेडियस ऑफ एन आयन, ठीक।
तो यहाँ पर सबसे पहले देखें ए और एक्स है, जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो ए पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, कुछ इस तरीका का केस आएगा, ठीक है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये हो जाएगा 95 पिकोमीटर अपॉन ये हो जाएगा 181 पिकोमीटर, ठीक। तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे अगर 0.52, देखें ये जो वैल्यू है 0.52, ठीक है, ये जो वैल्यू है 0.52 ये लाई कर रहा है कहाँ पर, ये जो है 0.52 ये हो रहा है, अभी एक टेबल था हमारे पास, ठीक है, टेबल में गया था 0.115 टू 0.225, देन उसके बाद था 0.225 टू 0.414, ठीक है, देन उसके बाद था 0.414 टू 0.732। तो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन कहाँ पर 0.414 टू 0.732, इनके बीच में जो है ये लाई हो रहा है ना, इनके बीच में, इनके बीच का है, ठीक है, 0.52। तो ये किसका था रेडियस रेशियो, ये था आपका, ये था आपके क्या बोलते हैं ऑक्टा, ये क्या था आपके क्यूबिक, ठीक है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल शेप का, सॉरी ये था आपके ऑक्टाहेड्रल शेप का, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में आपके क्या बन जाते हैं, एफसीसी बन जाते हैं। तो ये जो है प्रिडिक्ट करें कि कौन सा स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हो जाएगा एफसीसी ऑक्टाहेड्रल शेप, क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अगर इसमें पूछ दें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन इसका कितना होगा, 6, क्लियर है, ओके। तो ये आपका रेडियस रेशियो है, कुछ एग्जांपल हैं इसके, तो इसमें एक एग्जांपल तो आपको मिल गया, बाकी अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो पूछेंगे।